राजस्थान की भूमि वीरता दान और भक्ति में पूरे देश को प्रेरणा देने वाली भूमि है। पूरे देश में जब मुगलों का शासन आग की तरह फैल रहा था, पूरा देश अचंभित होकर देख रहा था, तब मुगलिया सल्तनत को चुनौती देने का काम यही धरती के सपूत महाराणा प्रताप ने किया था और उन्होंने वर्षों तक संघर्ष किया। यही धरती है जिसके वीर सपूत वीर दुर्गादास राठौड़ ने सालों तक एक ही घोड़े पर बैठकर मारवाड़ को स्वतंत्र कराने का काम वीर दुर्गादास राठौड़ ने किया। ये भूमि पन्नाधाई की भूमि है जो अपने राज्य को बचाने के लिए, वंश को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान देते हुए पर नहीं झिझकती। और इस भूमि पर ही भारतीय जनता पार्टी को बीज से वटवृक्ष बनाने में कई कार्यकर्ताओं ने योगदान दिया। स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी को कौन भूल सकता है। उन्होंने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण भारतीय जनता पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत वटवृक्ष बनाने के लिए दिया। भैरव सिंह जी ने समर्पण के साथ राजनीतिक नेतृत्व से पार्टी का विकास कैसे हो सकता है इसका उदाहरण प्रस्तुत किया और आज वो ही राजस्थान के अंदर आप लोगों का दर्शन कर मैं अपने आप को बहुत आनंदित और गौरवान्वित महसूस करता हूं। मित्रों, कल मैं जैसलमेर था, रात को रोहतास चौकी पर जवानों के साथ था और जैसलमेर में ये रोहतास चौकी के जवानों के बीच में रहे बगैर मालूम नहीं पड़ सकता है कि वीरों की जननी ये अपना राजस्थान क्यों है। मित्रों, ये धरती की मिट्टी में ही कुछ ऐसा है कि यहां से जो पैदा होता है वो आन बान और शान के लिए, देश के लिए जीना और देश के लिए मरना दोनों जानता है। बात देश की, बात जिले की और बात शहर की। खबर पर बात, असर पर बात, आपसे जुड़ी हर बात, अपने राज्य की हर बात, व्यवस्था और हालात, जोड़ते जाइए और जुड़ते जाइए। तो बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।